मां अन्नपूर्णा दोस्तों, आप सभी का मां अन्नपूर्णा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मिक्स वेज की रेसिपी, और ये बहुत सारी सब्जियों के साथ में मिलके बनी है, तो न्यूट्रिशन लेवल तो इसका हाई हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने ली हुई है अपनी सारी सीजनल सब्जियाँ जो होती हैं, तो आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोभी, गाजर, मटर, बीन्स और पनीर, मशरूम, ये सारी सब्जियों को मैं आज यूज़ करूँगी। तो इनको मैंने देखिए काटा हुआ था थोड़े बड़े टुकड़ों में, और यहाँ पे मैंने पानी को रख दिया था उबलने के लिए। पानी उबलने के साथ में ही मैंने सारी वेजिटेबल्स को इसमें डाल दिया है। हम इनको करेंगे थोड़ा सा ब्लांच, 4 से 5 मिनट इनफ है, और हमको इतना इनको पकाना है कि इनका कलर भी ना चेंज हो और ये 40-50% तक पक जाएँ। तो उसके बाद पकने के बाद मैंने जो है इनको छान के अलग रख दिया है, और पानी को आप बिल्कुल भी फेंके नहीं, क्योंकि उसमें जो वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन आ चुके हैं आप दाल बनाने में या आटा वगैरह लगाने में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो पैन में मैंने तेल डाला था उसमें मैं मशरूम को फ्राई कर रही हूँ, और मशरूम को फ्राई इतना करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उड़ जाए, और इनको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करने के साथ में प्लीज़ मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो इसी तेल में अब हम फ्राई कर रहे हैं अपने पनीर को। इनको हमको गोल्डन कलर का फ्राई करना है। मैंने काफ़ी छोटे छोटे बारीक्स इनको क्यूब में काटा हुआ है, तो इनको भी हम गोल्डन कलर में फ्राई करके इनको भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो हैं लगभग जो लाइट कलर के थे वो फ्राई हो चुके हैं। जो हमारा तेल बचा था इसी में अब हम अपनी सारी सब्जियां जिनको हमने उबाला हुआ था उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करना फ्रेंड्स आपको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जो हमने उबालने से इनमें मॉइस्चर रह गया है उनको हमको मतलब फ्राई करते करते वो उड़ जाएगा, इतने देर तक आपको इनको फ्राई करना है। और इसको भी आप फ्राई करके निकाल लें। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं और इनको हमने फ्राई करके निकाल लिया है। तो इसी तेल में अब हम मिला रहे हैं अपना सरसों का तेल मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए कुछ खड़े मसाले, जिसमें एक तेज पत्ता है, 2 से 3 इलायची हैं, एक बड़ी इलायची, थोड़ा दालचीनी, लौंग और काली मिर्च है। ये सब चीज़ों को तेल में डाल के तड़कने देंगे। और 2 बड़े प्याज को मैंने काफ़ी बारीक काटा हुआ है, उनको हमको गोल्डन लाइट कलर का ब्राउन होने तक का फ्राई करना है। 1 बड़ा टमाटर मैंने काफ़ी बारीक काटा हुआ है, काफ़ी बड़ा टमाटर था हमारा, और ये काजू का पेस्ट है, 2 हरी मिर्च हैं, और 1 बड़ा चम्मच के करीब में हमारा अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा पनीर जो है वो गार्निशिंग के लिए और इसमें डालने के लिए है। तो अब हम बना रहे हैं एक बैटर, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का जो भी यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कैच का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी गरम मसाला हमने लिया है थोड़ा सा, और इन सबको पानी के साथ में एक बैटर बना के इसको अलग रख देंगे। जब तक कि हमारा प्याज वगैरह फ्राई हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, तब तक के लिए हम इनको अलग रख देते हैं। और इस तरीके से मसालों को आप जब घोल के रखते हैं ना, तो उसमें से बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है आपकी सब्जी में। तो लगभग हमारा जो प्याज है वो गोल्डन कलर का हो चुका है, तो अब इसमें हम मिला रहे हैं अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके भुन जाने के बाद में हम मिला रहे हैं अपना जो हमने बैटर मिला के रखा था बना के, वो डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा पानी को घोल के भी डाल दिया है। तो बिल्कुल जैसे हम इंडियन कुजीन में अपने मसालों को फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमको इनको फ्राई कर लेना है, बिल्कुल तेल छोड़ने तक। देखिए, अब हमारा जो वेजिटेबल्स है काफ़ी अच्छे से तेल छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पे अब हम मिला देंगे अपने टमाटर को, जो मैंने बारीक काट के रखे थे उनको मिला देंगे, और इसी में अब हम ऐड कर देंगे नमक। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह हमारे पास हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप ऐड करें, और इनको ढक कर थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे जो टमाटर हैं बिल्कुल गल जाएं, सब्जी के मसालों में एकदम मिल जाएं। इतनी देर तक आपको इनको पकाना है, और टमाटर देखिए हमारे जो कलछी है उससे दबने लगे हैं, और ये बिल्कुल तैयार हैं हमारे। तो इसमें हम अब और इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं।
तो इसी से पहले फ्रेंड, जब भी आप कोई तेज पत्ता यूज़ करें ना, तो तेज पत्ता को पानी वगैरह जैसे कुछ डालने से पहले निकाल लें, ये आपके लिए टिप है। तेज पत्ता पानी के कांटेक्ट में आने पे वो थोड़ा उतना अच्छा फ्लेवर नहीं इन्हेंस करता आपकी वेजिटेबल्स में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है काजू का पेस्ट, और उसको भी डाल के काफ़ी अच्छे से भून लिया है। देखिए काजू ने भी अपना तेल जो है छोड़ने लगा है, और इसमें मैंने डाल दिए काट के 2 हरी मिर्च, बीच से काटी हुई है, थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल दिया है, और इन सबको हम कुछ देर के लिए भुनेंगे, वही 2-3 मिनट के लिए। जब तेल हमारा बिल्कुल अच्छा से मसाला छोड़ने लगे, तो हमारा जो है मसाला तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैंने जो भी सब्जियां फ्राई करके रखी हैं वो डाल देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अब हमारी एकदम से तैयार हो जाएंगी फटाफट से ये सब्जी, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ी सी हमारी पकी हुई है। एक ढक्कन लगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल एक ढक्कन लगाने के साथ में ही हमारी सब्जी बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें सब्जी में थोड़ी सी ग्रेवी रखना, तो जब मैं देखिए मैंने एक ढक्कन लगा के ये तैयार हो जाएगी, तो इसी स्टेज पे एक ढक्कन लगाने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना सकते हैं, पर इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और बिल्कुल ये सब्ज़ी तैयार है हमारे नान या पराठे के साथ में खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी नान के साथ में बहुत टेस्टी लगती है, आप बिल्कुल एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। तो मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सब अपने घर में ऐसी सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी रेसिपी के साथ में मैं लेती हूँ आपसे विदा, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय।